एक ऐसे भगवान हैं जो लिखे हुए को मिटाते हैं और मिटाते को लिखते हैं। आप समझें कि राम का जो यदि मंदिर बना तो उसमें शिव जो है आराध्य के तौर पर कहीं ना कहीं खड़े होंगे। मैंने कोई पूर्व जन्म में जो है बड़ा पुण्य किया होगा कि बाबा ने मुझे यहाँ का जो है सांसद बना दिया। मेरे लिए तो सौभाग्य है कि मैं देवघर का सांसद हूँ। मैंने कोई पूर्व जन्म में जो है बड़ा पुण्य किया होगा कि बाबा ने मुझे यहाँ का जो है सांसद बना दिया। और हमेशा मैं कहता हूँ कि शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो लिखे हुए को मिटाते हैं और मिटाते को लिखते हैं। तो आप समझें कि राम का जो यदि मंदिर बना तो उसमें शिव जो है आराध्य के तौर पर कहीं ना कहीं खड़े होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आपको पता है कि शिव भक्त हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी यदि ये कर पाए और उनके कारण उनके अथक प्रयास से ये संभव यदि हो पाया तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इवन मैं आपको बता दूँ, माननीय गृह मंत्री जी जो हैं वो बेशक उनका जो आराध्य देव है वो शिवलिंग है, शिव उनके घर में स्थापित है और वो पूरे घर की जो पूजा है वो शिव से होता है। तो मुझे लगता है कि शिव की इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि उन्होंने फाइनली जो है अयोध्या में रामलला को विराजमान करा।